फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सिंधी कुरसोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। कई कमेंट आए हैं। बेसिकली मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया था एक या दो दिन पहले, और मैंने उसमें बात किया हुआ है कि अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं या फिर आप होलसेल ओपन करना चाहते हैं तो आप मेडिसिन बेसिकली कहाँ से परचेज करेंगे, सबसे सही तरीका और डिस्काउंट भी मिल जाए जहाँ से वहाँ से मेडिसिन आप परचेज कर सकते हैं, वो तरीके मैंने बताए हैं। उन तरीकों में मैंने दो तरीका बताया, एक ऑफलाइन एंड एक ऑनलाइन। तो उसमें कुछ लोगों का कमेंट ये आया कि सर आप ऑनलाइन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस को किल कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि फ्रेंड आप भी मुझको ऑनलाइन ही देख रहे हैं, राइट? ये ऐसा सोचना कि हाँ ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से ऑफलाइन बिजनेस किल होता जा रहा है, ये थिंकिंग पूरी सही नहीं है। क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि ऑनलाइन की वजह से ऑफलाइन किल होता जा रहा है और आप ऑनलाइन मार्केट को कोसते रहेंगे, तब तक क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? उससे कुछ भी कर नहीं पाएंगे, उससे सिवाय आपका लॉस होने के अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर ऑनलाइन मार्केट ग्रो कर रहा है तो आपको ये सोचना है कि भाई मैं कैसे ऑनलाइन जा सकता हूँ। अभी उसी मैंने दो वेबसाइट का वहाँ पे नाम लिया था, लेकिन उसकी जगह अगर मैंने अमेजोन का नाम लिया होता शायद बहुत सारे लोग मतलब ऐसा अपोज नहीं करते। रीज़न इज दैट कि अमेजोन बहुत ज़्यादा हमसे फैमिलियर हो चुका है, लेकिन या फिर मैं 1MG की बात करूँ तो हम उससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे वेबसाइट का नाम ले रहा हूँ जो फैमिलियर नहीं है, अभी वो ग्रो कर रही है, बिकॉज अभी काफ़ी स्कोप है। होलसेल की बात करें तो ऑनलाइन होलसेल कुछ खास अवेलेबल नहीं है, बहुत ही लो कम्पिटिटिव एरिया है होलसेल अगर बात करें ऑनलाइन की। तो जहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है जाके आप भी चाहो तो कुछ कर सकते हो। तो अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उस चीज़ को एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, नहीं वो एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, वहाँ उसको दो तरीके से आप सोच सकते हो। तो वहाँ से आप एडवांटेज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जो चीज़ें मैंने बताई हैं, फर्स्ट। सेकंड, क्या आप ऐसा भी सोच सकते हैं मतलब कि या जब किसी और ने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है तो क्यों ना मैं वो ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लूँ, या उससे थोड़ा एडवांस लेवल के कुछ प्लेटफॉर्म में क्रिएट कर लूँ जिससे मैं ग्रो कर जाऊँ, अंडरस्टैंड? और बात रही टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी आने टाइम के अंदर और ज़्यादा एडवांस होगी, आपको उसको कहने से सर उनको बढ़ावा ना दो या इंसान मत करो, आप कुछ नहीं कर सकते या मैं कुछ नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी चीज़ों को एडवांस करती चली जाएगी। अगर आपको इस फाइट में बने रहना है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी लेना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो आने जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी है बेस्ट टेक्नोलॉजी, आपको उसका यूज करना चाहिए, एज वेल एज जो आने वाले फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज़ करना चाहिए। अगर आप 1MG जैसा वेबसाइट नहीं बनाएंगे तो कोई दूसरा आएगा 1MG बना देगा। आज 1MG है, कल को इससे भी ज़्यादा एडवांस है, कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकता है, कल को ड्रॉप शिपिंग सिस्टम हो सकता है कि चलो अभी जो है सभी के घर पे ही मेडिसिन डिलीवर कर दिया जाएगा, राइट? बहुत सारे ट्रायल, बहुत सारे एडवांसमेंट, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है, क्या कर लेंगे आप उसको रोक नहीं सकते। सिर्फ कहने से, कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला है फ्रेंड। ज़रूरत है तो टेक्नोलॉजी को समझने की, जो चीज़ें एडवांसमेंट होके आ रही हैं। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक मैं शॉप ओनर हूँ, या मैं बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, तो मैं कैसे उसके साथ लाइनअप करूँगा, ठीक है? कैसे मैं अलाइन हो जाऊँगा उसके साथ में जिसकी वजह से मेरा भी बिजनेस ग्रो करेगा, आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो टेक्नोलॉजी ना सीखने की वजह से बाहर हो जाएंगे, जैसे आज के टाइम पर बहुत सारे लोग बाहर हो गए हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट ना करने की वजह से। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, कोसते रहते हैं चीज़ों को, टेक्नोलॉजी आ गई जैसे अमेजोन आ गया, बहुत सारे बिजनेस को किल कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसके अफसोस में बैठे हुए हैं कि हाँ मेरा बिजनेस किल होता जा रहा है या उसका बिजनेस किल होता जा रहा है। वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वही बिजनेसमैन वो अमेजोन के ऊपर जाके सेल करके ना पहले अपने छोटे से एरिया में सेल करते थे, आज एक छोटे से एरिया में बैठे बैठे थ्रू द अमेजोन उस प्लेटफॉर्म का यूज करके पूरे इंडिया में सेल कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। चॉइस आपकी है, बैठ के कोसना है या फिर प्लेटफॉर्म को यूज करके खुद को बड़ा कर ले जाना है, या उसके जैसा खुद नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देना है, या टेक्नोलॉजी का यूज करके और कुछ ऐसा कर देना है जो कोई किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है। चॉइस टोटली आपकी है, कोसना है या फिर कुछ वहाँ पे करना है। तो चीज़ें बदलती रहेंगी, आप उसको बदलने को नहीं रोक सकते। टेक्नोलॉजी आज ये आई है, कल और नहीं एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, उसके बाद और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप, पता नहीं क्या क्या फ्यूचर में आएगा, रोबोटिक्स सुनते हैं वो आ जाएंगी, क्या कर लेंगे आप? हम इसको नहीं रोक सकते। हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ताकि यस चाहे हम बिजनेस में हों, चाहे हम किसी भी फील्ड के अंदर हों, वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने काम को ईजी और एडवांस लेवल पर जा सके, लेके जा सके, प्लस लोगों के लिए हम कुछ सोल्यूशन दे सके, राइट? तो ये था उस कमेंट का रिप्लाई। दो तीन लोगों ने मुझे ये कमेंट बेसिकली किया हुआ था कि आप ऑनलाइन पोर्टल को प्रमोट कर रहे हैं, मेरा
पर्पज वो नहीं, तो मैंने बोला कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये आपके सहूलियत के लिए, आपके हेल्प के लिए है, ठीक है। वो चॉइस आपकी है, ऑफलाइन खरीदते हैं ऑनलाइन खरीदते हैं, लेकिन यस, अगर टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को फ्रेंड लेके नहीं चलेंगे जो चीज़ें चल रही हैं, तो आप फाइट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट ये छोटा सा मैसेज, रॉ वीडियो बिना एडिटिंग के, तो आप इसको देखिए, चीज़ें समझिए, और क्या आपको लर्निंग मिली जो कमेंट करके बता सकते हैं, या और कोई पेन है तो वो भी आप मेरे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। बाय।